हेलो फ्रेंड्स, आज हम पानी पूरी का पानी बनाएंगे। जैसे हम रेडीमेड गोलगप्पे लाते हैं तो उसके साथ घर में पानी बना लेते हैं, तो उसके लिए हमें क्या क्या सामान चाहिए वो बता देते हैं। हमने धनिया लिया है, धनिया लीव साफ करके धुल के रखा है, और पुदीना की भी लीव्स ली है, और ये हमने बूंदी है, ये भुना जीरा पाउडर है, ये चाट मसाला है, ये पानी पूरी मसाला है, ये काली मिर्ची है आधा टेबल स्पून, टीस्पून नमक है, ब्लैक वाला नमक है, और ये रेड चिल्ली पाउडर और हींग है एक पिंच। तो सबसे पहले हम इसमें इसको पीस लेंगे। ये धनिया हमने थोड़ा ज्यादा लिया है, धनिया ज्यादा लेना है और पुदीना थोड़ा कम लेना है क्योंकि उसकी खुशबू ज्यादा होती है। हमने धुल के इसको साफ सुथरा और कट कर लिया है। अब इसमें हम डाल देंगे इसको, और हम इसमें मिर्ची डालेंगे। ये हमने 6-7 मिर्ची ली थी ग्रीन, तो इसको हम तोड़ तोड़ के डाल देंगे। और ये हम थोड़ी सी इसमें पुदीना लीव्स लेंगे। इसमें हमने पुदीना डाल लिया है। अब इसके बाद हम इसमें 1 इंच का टुकड़ा लिया है, हमने अदरक का छील लिया है। अब इसको हम थोड़ा कट करके इसमें डाल के इसका पेस्ट तैयार कर लेंगे। हम थोड़ा सा पानी डालेंगे और इसको हम मिक्सी में घुमा लेंगे। ये हमने पेस्ट तैयार कर लिया, अब इसको एक बोल में निकाल लेते हैं हम। ये देखिए, सबसे पहले इसमें हम 1 लीटर पानी डालेंगे, तो ठंडा पानी डालेंगे। और ठंडा अगर आप नॉर्मल पानी डालते हो तो इसमें आप आइस क्यूब भी डाल सकते हो। तो मैंने इसमें पानी डाल लिया। अब उसके बाद इसमें मैं ये पेस्ट डाल दूंगी और इसको अच्छे से मिक्स करूंगी। आप इसको थोड़ा कम ज्यादा कर सकते हैं, इसमें जो अपना उसको बीच में टेस्ट करके देख सकते हैं। तो मैंने इसमें 3 टेबलस्पून डाला है, तो काफी अच्छा कलर भी आ रहा है। अब इसके बाद मैं इसमें मैंने आधा टीस्पून जो चाट मसाला लिया है वो डालूंगी, और 1 टेबलस्पून मैंने जीरा पाउडर लिया है वो डाल दूंगी, और 1 टेबलस्पून मैंने पानीपुरी मसाला लिया है, और ये मैंने रेड चिल्ली पाउडर लिया था आधी टीस्पून, उसको डालूंगी, और काला नमक, वाइट नमक, और ये काली मिर्ची आधा टीस्पून। तो ये सभी को मैं इसमें डाल दूंगी मसालों को। इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। अब इसको इसका टेस्ट कैसा है। सॉरी गाइस, मैं ये भूल गई थी, अमचूर पाउडर भी लिया था, ये भी डालना है 2 टेबलस्पून। आप नींबू का रस भी डाल सकते हो या इमली का भी प्लम डाल सकते हो। इसको अच्छे से मिक्स करके अब इसको हम छानेंगे दूसरे बाउल में। तो इसको हम ऐसे छान लेंगे। तो इसमें 1 पिंच मैं हींग भी डालूंगी और बूंदी, ये हमने छान लिया, और लास्ट में हमने बूंदी भी डालनी है थोड़ी सी, जो हम रायते में डालते हैं रायता बूंदी, वो डाल देंगे। तो ये हमारा पानी बनके तैयार है। आप इसमें चेक करने के बाद देख सकते हैं कि कुछ आपको कम लगे मिर्ची या नमक खट्टा, तो आप थोड़ा और डाल सकते हैं। बाकी मेरा ये एकदम परफेक्ट बना है। अभी हम आलू का मसाला बनाएंगे, तो इसके लिए हम आलू रेडी कर लेते हैं। ये आलू हम आलू को मैश कर लेंगे, और इसके बाद मैंने बारीक बारीक प्याज चॉप किया है, थोड़ी 1 ग्रीन चिल्ली बारीक चॉप की, वो डाल लेंगे। इसके बाद मैंने धनिया पाउडर और रेड चिल्ली आधा टीस्पून, और ये धनिया पाउडर, ये चाट मसाला आधा टीस्पून, और नमक 1 टीस्पून, ये डालेंगे इसमें। और उसके बाद 1/2 टीस्पून हमने जो पेस्ट बनाया था वो भी डालेंगे। अब इसको अच्छे से सारी चीजों को हम मिक्स कर देंगे। इसके अलावा आप इसमें अगर आपको पसंद हो तो उबले हुए चने, जो काले चने होते हैं, उनको उबाल के डाल सकते हैं।
और इसमें थोड़ी नमकीन भी डाल सकते हैं आप। तो ये हमारा तैयार है, बस ये मसाला हमारा तैयार हो गया। तो देखिए हमारे रेडीमेड गोलगप्पे हैं, हम इस तरीके से इनको थोड़ा थोड़ा तोड़ेंगे लिए हुए हैं, और इसमें थोड़ा आलू का मसाला डालेंगे और इसको हम पानी में डीप करके इस तरीके से तैयार है। तो देखिए हमारे गोलगप्पे बस बनकर तैयार हैं। तो आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए। थैंक यू।